हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम आए हैं लेवेंडर गार्डन, लेवेंडर फील्ड्स। तो ये कुछ बताएंगे किधर पड़ता है ये? लंदन में ही है, लेवेंडर फील्ड्स, मेफील्ड लंदन के नाम से। और ये पड़ता है साउथ लंदन में, क्रॉयडन वाली साइड पे। और ये पीछे जो है लेवेंडर फील्ड्स आपको नजर आ रही होंगी। बेसिकली ये 25 एकड़ का फार्म है, इसमें इन्होंने ये लेवेंडर उगाई है। जैसे कि पहले नीदरलैंड का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे कॉपी किया, नीदरलैंड्स में नहीं होता था, एम्स्टरडम में ट्यूलिप फील्ड्स, लेवेंडर फील्ड्स। अब इधर में भी ये होने, लंदन में भी है ये। तो साल के कुछ महीने में ही लगाते हैं। बेसिकली ये बड़ा सा फार्म है जहाँ पे इन्होंने ये, बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि ये जो आपके इंस्टाग्राम है उनके लिए हॉट टॉपिक है आजकल, हॉट स्पॉट है। हाँ। और लोग यहाँ आते हैं। और इस इधर तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो, गाड़ी से भी आ सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन भी आती है। ट्रेन आने के बाद आप अगर कोई बस ले लो या कोई मतलब कोई भी ऊबर ले सकते हो 2-3 माइल के लिए ट्रेन स्टेशन से उतरने के बाद। और इस तरह से 2 टिकट्स लिया। इसकी एंट्री बहुत ही रिजनेबल है और यहाँ पार्किंग फ्री है। £5 पर पर्सन एंट्री है, पर अडल्ट एंड चिल्ड्रन अंडर 12 फ्री। और बाकी इसके अलावा स्टार्टिंग में हमने फ्लावर मार्केट भी देखी है एंट्री करते हुए, है ना। और इसके अलावा एक छोटी ट्रेन चलती है यहाँ पे लोगों को घुमाने के लिए, ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। तो वीडियो में कैप्चर करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये खाली 10 जून से 28 अगस्त तक खुली है। हाँ, और 9 AM to 6 PM लास्ट एंट्री। फ्लावर के बारे में बताओगे? बेसिकली जो परफ्यूम वगैरह लेवेंडर की और जो अरोमा वगैरह आती है, खुशबू बनती है, ये यहाँ वैसे बेसिकली एक तरीके की जंगली घास है, लोग घर के बाहर भी निकलती है। उन्होंने क्या बोलती है, डेंसिटी में उगाया हुआ है, अच्छे तरीके से लगाया है लेवेंडर फील्ड। लोगों ने इंस्टाग्राम पे, तुमने पिक्चर्स नहीं देखी एम्स्टरडम में नीदरलैंड के, अब कौन जाएगा नीदरलैंड लेवेंडर फील्ड के लिए? यही हो गई है। और ये देखे पूरी पार्किंग जैसे वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई, लोग आए हुए हैं, सेल्फी फोटो चल रही है पीछे। तो तुम डालोगे आज के वीडियो में फोटोज अपनी? हाँ, रील भी आएगी और फोटो और वीडियो भी आएगी। चलो देखते हैं आगे। चलो आपने देखा व्यू कितना सुंदर है, आप भी हाई कर दो कैमरे में आए हो तो। इधर ऊपर देखो, इधर 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 ये कैसी हाय तो कुछ अलग ही चल रहे हैं। वो पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है, इसमें दिख रही है? नहीं, इसमें नहीं दिख रही, क्योंकि अभी सिनेमैटिक व्यू लगा रखा है मैंने। तो ये कितना सुंदर है ना। वैसे आज हम खेतों में आए। और ये खेत लंदन के अंदर ही है, बाहर भी नहीं जाना पड़ता। हमारे घर से 1 आवर की ड्राइव है। ड्राइव तो 1 आवर की है, बट ज़्यादा दूर नहीं है। तो ट्रैफिक की वजह से, इस टाइम ट्रैफिक होता है तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है।
रेस्टोरेंट भी शायद है, छोटा सा राइट में छोटा सा कैफे है जहां पे और हाँ यहाँ लोग लोग अपने वेडिंग शूट टाइप कुछ कर रहे हैं ना, प्री वेडिंग शूट के लिए आए हुए हैं लोग यहाँ, कुछ इंस्टाग्रामर आए हुए हैं, हमारी तरह यूट्यूबर भी आए हुए हैं। आपसे कोई बात कर रहा है? अपने दिखा दो बाल हिला के, कैसे दिखा रहे थे अभी? नो कर दो, नो गुस्सा। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मेरी तो ये था मतलब लिस्ट में कि मुझे जाना ही जाना है। हाँ, तो आज फाइनली आ गए। आज फाइनली हम आ गए और आज का वेदर भी बहुत अच्छा, इतने दिनों बाद गर्मी से दोबारा हल्का हल्का ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हल्की हल्की लाइट लाइट बारिश हो रही है। हमारे फोटोज पहले अपडेट हो जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं और रील भी हमारी पहले आ जाती है तो रील भी देख सकते हैं। और आपको भी यहाँ जरूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी भी दो महीने खुला 20th अगस्त तक और बहुत चीप है, 5 pounds पर एडल्ट कुछ भी नहीं है, तो आप जरूर आना क्योंकि इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से आ रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस ऐड होगा। ये कौन से मंथ में लगता है वैसे, क्या बताया था आपने स्टार्टिंग में? जून मिड से अगस्त मिड तक लगता है, 2 महीने के लिए। ट्यूलिप फील्ड 1 महीने के लिए लगता है। वो और भी सुंदर होते होंगे, रेड रेड बहुत सुंदर है, वो हमने मिस कर दी पर हम जाएंगे अगले साल। बेसिकली ये जो फार्म्स है ना, ये चैरिटी को ये सब पैसा डोनेट करते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा है ये मुझे पुरानी लग रही है। इधर देखो पीछे दिख रही है आपको, मेन यही है, ज्यादा खूबसूरत है जहाँ से हम आए। देखो कैमरे में, आप क्यों खुश हो रहे हो? मैंने अभी वैसे, आप क्यों खुश हो रहे हो? आप क्यों खुश हो रहे हो? आप क्यों खुश हो रहे हो? चलो देखते हैं आगे। और इसके पीछे जो टैंक का दिख रहा है उसके अंदर शायद रेस्टोरेंट है, कैफे है, कैफे। चलो ये भी देखो। सो गाइस ये कैफे है छोटा सा, ये कितना अच्छा स्पेस बना रखा है बैठने का। हाँ, ये भी ऊपर टैंक जो लगे थे जो दिख रहे थे। और यहाँ पे कुछ कंपटीशन भी, आओ देखते हैं क्या कंपटीशन। विन 200 pounds बेस्ट फोटो, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके इनको टैग करोगे अपनी फोटो डाल के, तो अगर आपकी फोटो अच्छी हुई तो ये आपको 200 pounds तक दे सकते हैं। तो जो भी आती हैं कंपटीशन के लिए, शायद ऑनलाइन होगा ना इनका, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, आई मीन इंस्टा पे इनको टैग कर दो। हाँ, तो जो भी होगा ऑप्शन होगा वहाँ पे, हमने तो चेक किया नहीं, ठीक है ट्राई करेंगे हम भी। ठीक है देखते हैं। बाकी ऐसा दिखता है पूरा पीछे व्यू दिख रहा है, पूरा ऐसा दिखता है। और ये इनका पीछे कैफे था हमारे, कैफे भी शायद से मेरे ख्याल से बंद पड़ा है। अच्छा, ये अच्छा है कैफे, जैसे इंडिया में नहीं होते हिल स्टेशन पे। चलो यहाँ तो हमारे कुछ मतलब का नहीं है, आगे चले गई, रोते नहीं इतना, आ जाओ आओ, चलो हम चले आगे फिर। सो गाइस हम आ गए हैं रेस्टोरेंट संगीता हॉन्स्लो में, हमें भूख लगी थी, हमने डोसा ऑर्डर किया है, पनीर अभी आ रहा है, तुमसे रुका नहीं जा रहा। हाँ, तो ये पनीर डोसा है, बहुत टेस्टी होता है। स्टफिंग दिखाना बीच में से, ये रहा पनीर, ये पनीर डोसा है। तो आगे शायद फूड ब्लॉगिंग भी आगे करें हैं।
तो गाइज अपना ब्लॉग अभी यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय।